आपको पता है कि ये किस चीज़ का रैली ये चल रहा है? नहीं सर, ये नहीं चल रहा है। नहीं पता? नहीं पता मेरा ये। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। 26 नवंबर का आज का दिन है, आज संविधान दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उस कमेटी के अध्यक्षता की, लेकिन उनके बाद आज़ादी से लेकर अब तक दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति ही हुई है, लेकिन उनका विकास, उनके विकास की सच्चाई के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बस्ती हुआ करती थी जो पूरी तरीके से टूट गई है, और आज ही के दिन नीतीश कुमार ने एक भीम संसद बुलाई है पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, और वहाँ पर दलित महादलित समुदाय की ये पूरी रैली है। कई लोग ये दावा कर रहे हैं, एक बाज़ार में, पूरा राजनीतिक बाजार में हाइप बनाई गई है कि जदयू की रैली में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई थी, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हैं। अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो वहाँ पर किस वजह से पहुँचे हैं, क्या करने के लिए पहुँचे हैं, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली से, मंच से जो दावा किया गया कि नीतीश कुमार इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्हें दलित प्रेम है, जो सिर्फ दलितों के लिए काम करते हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है, आप इस वीडियो में देखने का काम करेंगे। और आप उन लोगों को भी सुनेंगे जो भीम संसद में मौजूद थे। आप यहाँ रैली में आए? जी सर। ये कौन है? सायन कुणाल सर? पता नहीं हमको सर। तो आप इनका लेके क्यों घूम रहे हैं? धरा दिया है, लोग धरे हुए क्या करें। तो आप यहाँ रैली में क्यों आए? पानी के ठिकान, मुखिया लोग, नेता लोग भेजा। अच्छा, नेता भेज दिया, कहाँ से भेजा है? सोना यहुआरा, नौबतपुर थाना। नौबतपुर से? हाँ, देवरा पंचायत। मकसद हम लोग का एक ही है। हाँ। जैसे हम लोग 7 साल नौकरी करके अब बेरोजगार हो गए हैं, तो रोजगार पाने के लिए हम लोग सभी प्रेरक गण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रोजगार पाने आप लोग रैली में? हाँ जी, 7 साल हम लोग को नौकरी दिया किए। हाँ। इसके बाद हम लोग को बेरोजगार किया गया। हाँ। तो हम लोग को बताया गया नेताओं द्वारा कि आप लोग आइए, आप लोग के यहाँ से जो मन से आप लोग को घोषणा होगा, ऐसा कहा गया है। कहा गया है। और अगर नहीं ऐसे कुछ घोषणा होती है तो नहीं होती तो हम लोग घर जाएंगे, फिर इनका विरोध करेंगे। अभी आपने बताया कि जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, रत्नेश सदा, उनके तरफ से आश्वासन मिला, अभी वही भाषण दे रहे हैं, तो उन नाम नहीं लिया अभी। अभी तक उन्होंने विकास मित्र टोला सेवक का नाम लिया, प्रेरक का नाम नहीं लिया, लेकिन उम्मीद है अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण बाकी है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो हमारा नाम लेंगे, हमारे बारे में कुछ कहेंगे, यही उम्मीद से हम लोग यहाँ पे हैं। आपको पता है कि ये किस चीज़ का रैली ये चल रहा है? नहीं सर, ये नहीं चल रहा है। नहीं पता? नहीं पता मेरा ये। आप यहाँ पे बेरोजगार प्रेरक लिख कर आए हैं? जी जी। क्या ऐसा क्यों लिखे हो? हम लोग 2011 से, ठीक है ना, 2000 मानदेय पर 2018 तक कार्य किए, ठीक है ना, 15 साल से लेकर के जो 30 बरस तक जो भी मतलब साक्षर लोग थे उनको साक्षर करने का काम किए हैं, ठीक है। 2018 के बाद हम लोग को, ठीक है ना, नियोजन से मतलब हटा दिया गया, उसी के लिए समय से हम लोग अभी तक बेरोजगार हैं। हम लोग का मानदेय भी 24 महीना का बकाया पड़ा हुआ है, वो भी पैसा नहीं मिला है, इसी कारण हम लोग यहाँ आए हैं। तो आप यहाँ पर क्या विरोध करने आए हैं, अपनी मांगों को रखने आए? अपना मांग के रखने लाए हैं, समझना, सरकार से कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार मतलब दिया जाए, कुछ में आप कर दीजिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार जब से, जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में दोबारा, तो कहा जा रहा है कि बहुत रोजगार मिल रहा है लोगों को, 10 लाख 20 लाख, ऐसा गांधी मैदान में भी उन्होंने अनाउंस किया था। तो क्या आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं, आप लोग को सही अंदाज़ा है क्या इतना रोजगार लोगों को मिल रहा है, 20 लाख रोजगार एक साल में मिला है? अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है, अब आगे भविष्य क्या बताएगा हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक 15 से कोई रोजगार नहीं मिला है। 2015 से कोई रोजगार नहीं? नहीं सर, सबको रोजगार अगर मिल जाता तो हम लोग बेरोजगार क्यों बैठे हुए रहते अभी तक? हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं, हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, इसीलिए आए हैं रोजगार मांगने के लिए, हक अपना मांगने के लिए आए हैं। यहाँ पे तो हमको लग भी नहीं रहा है कि विकास हुआ है, ठीक है भैया, पहली बात। और दूसरी बात कि बोलते हैं कि हम विकास करते हैं, यहाँ गरीब, यहाँ पे गरीब बहुत सारा है, यहाँ है, उस साइड में है, उस साइड में भी है। अब अभी तक ला वो शौचालय तक यहाँ पे वो रोड नहीं बना है गली में, वो विकास बोलते करते हैं, विकास
कभी जिंदगी में हम लोग को भी कुछ नहीं किया है यहाँ पे। और प्लस खाली भरनामा इति में रखता है कि क्या बोलते हैं उसको, कि आपको हम इति करेंगे, हमको ये काम, हम आपको काम करेंगे, हम रोड बनाएंगे, शौचालय देंगे, सब चीज़ पानी देंगे, बिजली देंगे, कुछ भी मतलब देने का हो तो बहुत बड़े बात बोल देते हैं। अब आखिर कोई ऐसा कुछ मिलता नहीं यहाँ पे हमको। विकास सब देख लिए हम लोग, कितना विकास हुआ, इतना बड़ा होगा, आज तक कभी विकास नहीं हुआ। घर तो आज तक लालू का राज बना हुआ सामने, लेकिन नीतीश का राज में कभी नहीं बना। और लोग नीतीश कुमार को बोल रहा है कि क्या बोलो तो किस, वो तो पसंद ही नहीं, हम लोग तो पसंद ही नहीं करते उसको, जो बात है सीधा। वो कह रहे हैं कि हमने दलितों को पूरा अधिकार दिलवाया, कभी दलितों को अधिकार नहीं मिला था। अच्छा, एक भी भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पार्क होगा बिहार में हमको बता दीजिए। हाँ तो बताइए, नहीं है, हम जान रहे ना, इसलिए मैं क्या बोलूँ, बेकार है। मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, कोई काम का है ही नहीं। आज जो है दलितों की बहुत बड़ी रैली बुलाई गई नीतीश कुमार के, उठा के लिया है लोग, हम लोग को तो जानकारी है नहीं, बस्ती के यहाँ कोई लड़का नहीं है, मतलब दलित इलाकों से लोग नहीं गए, नहीं गए। अरे आप पूछिएगा तब तो जाएगा, नहीं पूछिएगा कहाँ जाएगा। मंच से चाहे जदयू या नीतीश कुमार जितने भी दावे कर ले, लेकिन ग्राउंड में रियलिटी यही है कि आज़ादी के बाद से अभी तक दलितों को उनका अधिकार नहीं मिला है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा का चुनाव है, बिहार विधानसभा का, उसके मद्देनज़र जातीय जनगणना के बाद आरक्षण को बढ़ा के भले 75% कर दिया गया हो, लेकिन क्या उससे दलितों के अधिकार उन्हें मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। आज भी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, आज भी बस्तियों के बच्चे शिक्षा से दूर हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। ऐसे में क्या ये बोलना सही है कि नीतीश कुमार देश में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें दलित प्रेम है और जो दलितों के लिए काम करते हैं। उनके मंच से बार बार ये कहा गया कि अंबेडकर के बाद सबसे ज़्यादा दलितों के लिए काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया है। आप खुद वीडियो आपने देखा, आप खुद इस बारे में सोचिए और आपका क्या सोचना, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताओ, साथ ही हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।